हमें ये A13 का नया साइड बार कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस में, अगर आपको जानना है वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमें ये 13 का नया OTA अपडेट, अगर आपको आपका Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस मिल चुका है बट आपको एमआई वे 13 का नया साइड बार नहीं मिला है तो कैसे उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपका एमआई वे 13 यूज़ कर रहा हूँ Mi 11X में और ये आपका एमआई वे 13 का नया साइड बार है जिसको कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं लेफ्ट या राइट का कोई भी एरिया में आपका स्क्रीन का, जो कि आप देख सकते हैं। पहले आपका ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन जो है नहीं था, अभी आपका ये अनेबल हो गया है तो इसको आप अपडेट करके ट्राई कर सकते हैं आपका भी Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस में। या आपका एमआई वे 12.5 में भी एंड्रॉयड 11 के साथ इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आपको बाद में मैं बताऊंगा कैसे उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इससे आप कोई भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं जो कि एक अच्छा फीचर है, बट मेरे को पर्सनली ये फीचर उतना अच्छा नहीं लगता। आपको शायद लग सकता है ये ऑब्जेक्टिव या मतलब सबका अलग अलग होता है। तो ये साइड बार है और इसको आप ट्रैक करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं जो कि पहले आपका ये ऑप्शन नहीं था, अभी आपका ये ऐड कर दिया गया है। अगर आप चाहिए इसका प्लस का ऑप्शन में तो इसमें आप कोई भी ऐप को ऐड कर सकते हैं जो कि आपका काफ़ी लंबा लिस्ट है तो आपको आराम से 10-15 ऐप्स तो इसमें आप ऐड कर ही सकते हैं और जो कि आप डायरेक्टली इसको बाद में ओपन कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में और उसके बाद आप डायरेक्टली ड्रैग करके आप फुल स्क्रीन में भी इसको कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एडिशनल फीचर आपको देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं कहीं पर भी आप उसको ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। ऑब्वियसली आपका डाउन और अप में नहीं जाएगा बट लेफ्ट राइट का कहीं पे भी आप उसको पोजीशन कर सकते हैं। तो अगर आप जाएगा इसका स्पेशल फीचर में सेटिंग्स में जाने के बाद तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है साइड बार और इसमें आपको ऑलवेज शो का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी आपका लेफ्ट राइट का जो ऑप्शन था वो आपका हटा दिया गया जैसे आप ये ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको बाकी जो नॉर्मल ऑप्शंस वही सब देखने को मिलता बट एक ऑप्शन हटा दिया गया। ऑब्वियसली अभी उस ऑप्शन को कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी आप अपने हिसाब से कहीं पे भी पोजीशन इसको कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो बस इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपका सिक्योरिटी ऐप है। तो जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, लिंक पे पहले टैप कीजिए, डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको बस जाना होगा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाके ब्राउज करना होगा APK, APK में जाके आपको बस सिक्योरिटी ऐप को अपडेट कर लेना है। अगर आपका अपडेट नहीं होता है, ये वर्जन आपको चाहिए, अगर आपको वो अपडेट नहीं होता तो उसके लिए आपको जाना होगा अनइंस्टॉल अपडेट में जो कि आप देख सकते हैं नीचे आपको 4 स्टॉप के सामने अनइंस्टॉल अपडेट में टैप करना है और फिर आपको और एक बार ट्राई करना है इंस्टॉल करने के लिए तो फिर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप डायरेक्टली उसको जो है एमआईवे 13 का नया साइड बार को यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था कि कैसे आप एमआईवे 13 का नया साइड बार को इंस्टॉल या अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ऑब्वियसली तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक मारना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखिए। वीडियो में लाइक एम रखते हैं 101 जो कि आई गेस आप कंप्लीट कर दीजिएगा, तो कंप्लीट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या मतलब अच्छा वीडियो के साथ शायद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल।